कहा जाता है कि शिबू सोरेन झारखंड के निर्माण में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं। शिबू सोरेन को झारखंड के दिशोम गुरु या गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर कौन है शिबू सोरेन और झारखंड के सियासी सफर में सोरेन फैमिली आखिर इतनी अहम क्यों है? सोरेन फैमिली की कहानी की शुरुआत होती है 1957 से, जब शिबू सोरेन अपने भाई राजा राम के साथ रामगढ़ जिले के भोला प्रखंड के एक स्कूल में रहकर पढ़ाई किया करते थे। शिबू सोरेन के पिता शोभराम सोरेन उस वक्त उस इलाके के गिने चुने पढ़े लिखे युवाओं में एक थे और पेशे से शिक्षक थे। माना जाता है कि उस दौरान उस इलाके में महाजनों और सूदखोरों का आतंक रहा करता था। लोगों को अपनी फसल का एक तिहाई हिस्सा सूद के कर्ज के तौर पर उन्हें देना पड़ता था। कहा तो यह भी जाता है कि उस दौरान शोभराम सोरेन की बुलंद आवाज की वजह से महाजनों और सूदखोरों के बीच एक डर बना रहता था। एक दिन शोभराम स्कूल में अपने बेटे को खाना पहुंचाने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान महाजनों और सूदखोरों के आदमियों ने उनकी हत्या कर दी। और यहीं से शुरू हुआ शिबू सोरेन के झारखंड के दिशोम गुरु बनने का सियासी सफर। 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का गठन किया। 1980 में पहली बार शिबू सोरेन लोकसभा के सांसद चुने गए। 1980 के बाद लगातार 20 वर्षों तक शिबू सोरेन और उनके समर्थकों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर नील और लाल रंग से मिट्टी के बने घरों पर आदिवासी एकता जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। झारखंड का आदिवासी समाज अपने अधिकारों की रक्षा को लेकर शुरू से ही काफी सजग रहता है। उन अधिकारों की रक्षा के लिए वो अपने ही कबीले से उभरे नेताओं पर भरोसा भी जताते हैं। इस बात को एक जन आंदोलन का रूप देकर शिबू सोरेन ने आदिवासियों के बीच अपनी अलग छवि पेश कर दी थी। झारखंड की राजनीति में आदिवासी कबीलों के 3 वर्गों का दबदबा रहा है, मरांडी, मुंडा और सोरेन। इन 3 कबीलों का राजनीतिक वर्चस्व हर बार देखने को मिलता रहा है, लेकिन उन सबके बीच शिबू सोरेन के बढ़ते कद के चलते आदिवासी समाज ने इन्हें अपना गुरुजी मान लिया और तभी से दिशोम गुरु के नाम से शिबू सोरेन जाने जाने लगे। जब 70 के दशक में शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण किए विनोद बिहारी महतो के साथ, तो महाइनी प्रथा के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया, फिर हड़िया प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया और धीरे धीरे आदिवासियों के प्रतीक बन गए हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन। तो शिबू सोरेन एक बहुत बड़ी शख्सियत है और जो आदिवासियों की बहुत सारी उपजातियां हैं उसमें एक संथाल सबसे बड़ी उपजाति जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और वो इनको दिशोम गुरु के रूप में जानता है। और 80 में जब ये MP बने और तब से लगातार संघर्ष करते रहे, आदिवासियों के कल्याण के लिए करते रहे, आदिवासियों की आवाज़ को उठाते रहे, आदिवासी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ते रहे, महाजनी के खिलाफ लड़ते रहे, तो उसके कारण एक इनकी पहचान बन गई। और फिर अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए आंदोलन चलाते रहे, तो झारखंड आंदोलन राज्य का जो आंदोलन चला उसमें इनकी अहम भूमिका रही और आखिर झारखंड का निर्माण हुआ। हालांकि झारखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने झारखंड का निर्माण कराया। तो आज भी आदिवासियों के ये सबसे बड़े नेता हैं और झारखंड में जैसा कि आप जानते हैं 26-27% आदिवासी आबादी है, तो उसके एक सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तत्कालीन बिहार के हजारीबाग जिले के नामरा गांव में पैदा हुए शिबू सोरेन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 70 के दशक में हुई।
उन्होंने 23 जनवरी 1975 को तथाकथित रूप से जामताड़ा जिले के चिरुडीह गांव में बाहरी लोगों, जिन्हें आदिवासी दीकू नाम से बुलाते हैं, उन्हें खदेड़ने के लिए एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था, जिसमें झारखंड का कई इलाका जलने लगा था। इस घटना में तब 11 लोग मारे गए थे। शिबू सोरेन के नेतृत्व में चला ये आंदोलन तब सुर्खियों में आया था। इसी मामले में शिबू सोरेन को हत्या का अभियुक्त भी बनाया गया था, जिसके बाद से वे आदिवासियों के बड़े नेता बन बैठे। झारखंड प्रदेश का सपना लिए शिबू सोरेन लगातार आदिवासी समाज के बीच अपनी पैठ बनाते जा रहे थे। 60 के दशक में शिबू सोरेन ने जो संघर्ष की नींव रखी, उसका फायदा आने वाले दशकों में दिखता गया। साल 2000 में जब झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो उस वक्त शिबू सोरेन का कद काफी बढ़ चुका था। शिबू सोरेन प्रदेश के पहले ऐसे नेता हैं जो खुद 3 बार मुख्यमंत्री बने और अपने बेटे हेमंत सोरेन को 2 बार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक बिठाया भी। शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा। विषम परिस्थितियों में भी वे संथाल परगना की जनता में काफी लोकप्रिय बने रहे। विधानसभा में चुनाव हारने के बाद सोरेन ने हार नहीं मानी और उन्होंने पूर्ण रूप से संथाल परगना को ही अपनी कर्मभूमि बनाकर झारखंड अलग राज्य निर्माण के आंदोलन का अलग जगाते रहे। शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर परवान पर था। वे पहली बार 1977 में लोकसभा चुनाव में खड़े हुए, लेकिन नजदीकी अंतर से हार गए। 1980 में वे दोबारा चुनाव लड़े और जीत भी गए। इसके बाद शिबू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और कई मुद्दों को राजनीतिक फायदे के रूप में इस्तेमाल करते हुए कुर्सी दर कुर्सी आगे बढ़ते रहे। वर्ष 1990 में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में भी संथाल परगना में झामुमो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वर्ष 1991 और 96 में शिबू सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते रहे। वर्ष 1998 में शिबू सोरेन दुमका में भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी से पराजित हो गए। इसके बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनने का मौका मिला, लेकिन कोर्ट ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया। निर्माण हुआ, हालांकि झारखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने झारखंड का निर्माण कराया, तो आज भी आदिवासियों के ये सबसे बड़े नेता हैं। और झारखंड में जैसा कि आप जानते हैं 26-27% आबादी है, तो उसके एक सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता है। एक नजर शिबू सोरेन के सियासी सफर पर भी डाल लेते हैं। शिबू सोरेन 1980, 1986, 1989, 1991 और 1996 में लोकसभा का चुनाव जीते। 2002 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 2004 में दुमका से जीत दर्ज कर वे 6ठी बार सांसद बने। वैसे कहें तो शिबू सोरेन के झारखंड का असली सियासी सफर 2005 में शुरू हुआ, जहां वे बड़े ही विवादास्पद रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। हालांकि कुछ ही दिनों बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना, जिसने सत्ता का स्वाद चख लिया हो उसे कहां रोका जा सकता है। साल 2009 में भी एक साल के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहे शिबू सोरेन कुल 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। फिलहाल अपने राजनीतिक करियर से शिबू सोरेन संन्यास ले चुके हैं, लेकिन बढ़ते सियासी कद के चलते और पार्टी की आदिवासी समुदाय पर बेहतर पकड़ बनाए रखने में सफल होने के चलते ही शिबू सोरेन अपने बेटे हेमंत सोरेन को दूसरी बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बिठा चुके हैं। तो एक जनरल सीट जो है उसमें थोड़ा एक टफ रहता है, किंतु परंतु लगा रहता है। फिर कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। जब शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए तमाड़ में लड़े और कांग्रेसियों ने ही फंसाया था इनको वहां पर, और क्या हालत हुआ, राजा पीटर निहायत कमजोर कैंडिडेट उनको, तो चुनाव में कुछ भी हो सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव जरूर देखे हैं,
अपने सियासी अनुभव के आधार पर ही आज भी झारखंड की राजनीति में सोरेन फैमिली का डंका बजता रहा है। सोरेन परिवार की कहानी जारी है। अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे कैसे शिबू सोरेन के बाद उनके सियासी उत्तराधिकारी हेमंत सोरेन ने जेएमएम को लगातार आगे बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। झारखंड का सबसे बड़ा सियासी परिवार है सोरेन फैमिली। मुखिया शिबू सोरेन हैं जिन्होंने परिवार के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम को सींचा है। दिशोम गुरु के नाम से जाने जाने वाले शिबू सोरेन के तीन बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की मई 2009 में मौत हो गई। दूसरे बेटे हेमंत सोरेन बरहेट से विधायक हैं, इसके साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। छोटे बेटे बसंत सोरेन दुमका सीट से विधायक हैं, जबकि बेटी अंजलि झारखंड मुक्ति मोर्चा ओडिशा प्रदेश की अध्यक्ष हैं। इन सभी बच्चों में बड़े बेटे दुर्गा सोरेन ने अपने पिता के साथ सियासत में सबसे पहले कदम रखा था, लेकिन उनकी असामयिक मौत के बाद दूसरे बेटे हेमंत सोरेन ने अपने पिता की पार्टी को और विरासत को आगे बढ़ाना शुरू किया। करीब ढाई साल पहले दिसंबर 2019 में दूसरी बार हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने। अपनी बेहतर रणनीति और कुशल नेतृत्व से विधानसभा का चुनाव जीतकर हेमंत ने दूसरी बार प्रदेश की सियासत में अपनी धमक जमाई थी। हेमंत सोरेन को खेलना और गाड़ी चलाना बेहद पसंद है, तभी साइकिलिंग करते उनकी तस्वीरें दिख जाती हैं। हेमंत 2019 में दूसरी बार झारखंड की राजनीति के घूमते पहिए पर सवार हुए तो सभी की उम्मीदें इस युवा राजनेता से काफी ज्यादा बढ़ गई। झारखंड की सियासत का सौम्य और सरल चेहरा माने जाने वाले हेमंत सोरेन को सत्ता विरासत में मिली, लेकिन अपनी काबिलियत से हेमंत ने सियासत का एक नया मुकाम भी हासिल किया। पिता के साए से बाहर निकलकर हेमंत सोरेन ने जेएमएम को 2019 के विधानसभा चुनाव में उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसका सपना उनके पिता गुरुजी यानी शिबू सोरेन ने कभी देखा था। करीब एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक झारखंड की सियासत के केंद्र में रहे हेमंत के लिए साल 2019 का चुनावी रण बेहद खास था। चुनाव में उतरने से पहले उन्होंने अपनी सूझबूझ से ताकतवर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार किया और अपने साथी दलों को सीट देने में उदारता दिखाते हुए शानदार जीत के साथ दोबारा सीएम की कुर्सी पर 29 दिसंबर 2019 को काबिज हुए। ये लोकपाल में आज मामला चल रहा है, क्या हुआ मालूम नहीं, क्या होगा ये भी नहीं मालूम है, है ना। इनके वकील कपिल सिब्बल जी बहस कर रहे हों, किए होंगे, क्या किए होंगे नहीं मालूम है। इसमें भी बहुत कंप्लेन है, बहुत शिकायतें हैं और उसमें इनका पूरा डिटेल वहाँ भेजा गया है, जिसमें इनका कम है, इनके परिवार के लोगों का सब लोगों का ज़्यादा है। जल जंगल जमीन कहने की बात है, केवल नारा है भाई। राज्य बनने के बाद से केवल एक बार ऐसा मुख्यमंत्री हुआ जो गैर आदिवासी था, बाकी सब आदिवासी ही मुख्यमंत्री हुए हैं। इन 22 वर्षों में झारखंड का और आदिवासियों का कितना विकास हुआ है और क्या क्या हुआ है झारखंड में, बाकी राज्यों से तुलना आप कर लीजिए। छत्तीसगढ़ जो साथ में बना इनके, उत्तराखंड जो साथ में बना, जिसके पास कुछ नहीं है पर्यटन के सिवा उत्तराखंड में। तो ये जंगल जल जंगल जमीन एक नारा है, शिगुफा छोड़ते रहते हैं लोग। मूल बात है कि आप गवर्नेंस कैसा है और कैसे आप सरकार चलाते हैं और क्या क्या आपने दिया, तो अब यहाँ पता ही चल रहा है। हम एक एक डिपार्टमेंट की बात बता सकते हैं। हेमंत सोरेन यूपीए का चेहरा है और उनके चेहरे पर पहली बार जेएमएम को सबसे ज्यादा सीटें मिली। किसी भी चुनाव में इससे पहले जेएमएम को सबसे ज्यादा 19 सीटें ही मिली थी, लेकिन 2019 के असेंबली इलेक्शन में हेमंत की अगुवाई में जेएमएम को 30 सीटें मिली। राजनीति में हेमंत को पहचान अपने पिता और गुरुजी के नाम से चर्चित शिबू सोरेन से मिली। हेमंत अपनी सियासी पारी को और बेहतर बनाने के साथ ही पार्टी में पकड़ को मजबूत बनाने के लिए पिता से आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। दरअसल हेमंत सोरेन पहले इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन परिवार में घटी एक घटना ने इनकी सियासी तकदीर ही बदल दी।
भाई दुर्गा सोरेन की आकस्मिक मौत ने परिवार को झकझोर दिया। पिता शिबू सोरेन की मदद के लिए राजनीति में इन्हें उतरना पड़ा। झारखंड की राजनीति के गुरुजी से सियासत का कहरा हेमंत सोरेन ने सीखा। महज 10 साल के भीतर ही हेमंत झारखंड की सियासत का बड़ा चेहरा बन गए। जल, जंगल और जमीन से हेमंत झारखंड को विकास की बुलंदियों पर ले जाने की बातें करते रहे हैं। हेमंत के बारे में कहा जाता है कि वो पारिवारिक व्यक्ति हैं। जब कभी समय मिलता अपने परिवार और बच्चों के साथ ऐसे ही बैठे और खेलते हुए नजर आते हैं। हेमंत सोरेन जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बरहेट विधानसभा सीट से हेमंत विधायक चुने गए, दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री बने। पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। इससे पहले वो अर्जुन मुंडा मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सियासी उतार चढ़ाव के बीच हेमंत सोरेन के सियासी सफर में इसी साल फरवरी महीने तब बड़ा भूचाल आया जब बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत के खिलाफ पद पर रहते खुद के नाम खनन पट्टा लिए जाने का आरोप लगा दिया था। इस सनसनीखेज आरोप के बाद से ही हेमंत सोरेन पर सियासी संकट के बादल मंडराने लगे। दस फरवरी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा खुलासा किया था। रघुवर के खुलासे से झारखंड की सियासत बेहद गर्मा गई। हेमंत पर पद पर रहते ऑफिस के दुरुपयोग का जो आरोप रघुवर ने लगाया था उसके तहत हेमंत ने मुख्यमंत्री पद पर रहते अपने नाम पर पत्थर खदान लीज की मंजूरी ली। हेमंत सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने रांची के अनगड़ा मौजा में पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति ली, खाता नंबर 187 प्लॉट नंबर 482 में अपने नाम से स्वीकृति ले ली। 16 जून 2021 को LOI भी जारी कर दिया गया और 10 जुलाई 2021 को खनन योजना को स्वीकृति मिली। लेना कोई बहुत जिस तरह से लीज की बात की जा रही है, अगर कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत लिया गया उसकी आलोचना हो रही है और उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जोड़ के देखा जा रहा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई नेता, बहुत सारे नेता हैं जो बिजनेस भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं, तो अगर वो बिजनेस कोई करे तो वो गलत है, लेकिन अगर आप ही मुख्यमंत्री हों और आप ही कुछ सेंक्शन करें तो वो गलत हो जाता है। तो ऐसे में उनकी आलोचना हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने लीज सरेंडर कर दिया है तो उसका लाभ भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह का फैसला आया है, अगर इस फैसले पर हम चर्चा करें तो अभी भी विधायकों का समर्थन उनको हासिल है और अभी भी आदिवासियों में उनकी पकड़। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए रघुवर दास ने कहा था कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर रहते अपने नाम से पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति ली थी। इस आरोप के बाद से बीजेपी लगातार हेमंत के खिलाफ हमलावर रही। हेमंत सोरेन के खिलाफ पत्थर खदान की लीज से जुड़ा मामला सामने आने के बाद से सियासी गलियारे में यही सवाल गूंज रहा है कि अब हेमंत सोरेन का क्या होगा। वैसे खनन घोटाला में शिकंजा कसते हुए मुख्यमंत्री के करीबी पंकज मिश्रा, पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ ही प्रेम प्रकाश गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में सीएम की कुर्सी पर खदान की फांस के बीच झारखंड की सियासत भी बेहद गर्म हो चुकी है। लेकिन झारखंड विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली यूपीए सरकार पर कोई संकट नहीं है। हालांकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में राजभवन तक पहुंची चुनाव आयोग की रिपोर्ट से जुड़े लिफाफे का मजमून क्या है, इसे लेकर झारखंड की सियासत बेहद गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।